अब करते हैं बात आगे की और शुरुआत करते हैं आमेर दुर्ग के बारे में। और सबसे पहला प्रश्न समझना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि ये जो आमेर दुर्ग है ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है। तो आमेर दुर्ग बना हुआ है जयपुर में। सामान्य मूलभूत बातें पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात आएगी कि ये जो आमेर दुर्ग है ये अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सब अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग पढ़ा जाएगा? आमेर दुर्ग। तो अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां नजर आएगी और बीच में बना हुआ है आमेर का किला, आमेर दुर्ग। सबसे पहली बात कि ये जो आमेर दुर्ग है इसका प्राचीन नाम क्या था? तो आमेर दुर्ग का प्राचीन नाम है कोकिलगढ़। अरे क्या कहते हैं इसे? कोकिलगढ़ कहते हैं साहब। तो आमेर दुर्ग का जो प्राचीन नाम है वो क्या नाम था? कोकिलगढ़। प्रश्न अगर आ जाए कि कोकिलगढ़ का किला किसे कहते हैं तो राइट आंसर देना है कौन सा? आमेर का किला। एक बात और मैं बता दूं कि इसी आमेर का एक उपनाम था और आमेर के दुर्ग का उपनाम था मोमिनाबाद। ये भी ध्यान रखना है आपको। अरे क्या नाम था? मोमिनाबाद। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ इतिहास की कि चार शब्द ऐसे हैं जो एक जैसे नजर आते हैं राजस्थान की जीके में। कौन कौन से? ढंग से समझना। देखो एक तो नाम कौन सा आ गया? मोमिनाबाद। एक नाम आता है मुस्तफाबाद। एक नाम आता है मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद। और एक जो नाम आता है हमारा वो आता है मोजमाबाद। और ये सारी चीजें आती है राजस्थान जीके के अंतर्गत। नाम से तो ऐसे लग रहे हैं जैसे अफगानिस्तान में होंगे लेकिन सब राजस्थान में ही है। मोमिनाबाद, मुस्तफाबाद, मोहम्मदाबाद, मोजमाबाद, सबकी कहानी राजस्थान से जुड़ी हुई है। अलग अलग प्रकार की कहानी है। कौन सी कहानी है वो सुनो ढंग से। देखो मोमिनाबाद जो है ये तो आमेर दुर्ग का प्राचीन नाम था। किसका प्राचीन नाम था? ये आमेर का प्राचीन नाम उपनाम क्या है? मोमिनाबाद, जो राजा महाराजाओं के द्वारा रखा गया। और आमेर का नाम जो मोमिनाबाद रखा वो किसने रखा? तो बहादुर शाह प्रथम ने। अरे किसने रखा था? बहादुर शाह प्रथम ने। और इतिहास अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि बहादुर शाह प्रथम ने आमेर के किले पर अधिकार कर लिया था। क्यों पता है? बताओ किसका बेटा था ये बहादुर शाह प्रथम? औरंगजेब का। औरंगजेब के दो पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी के युद्ध हुए थे, आजम और मुअज्जम के बीच में। और आजम और मुअज्जम, मुअज्जम ही तो है बहादुर शाह प्रथम। और आजम और मुअज्जम के बीच में जब उत्तराधिकारी के युद्ध हुए तो उस समय आमेर का राजा था सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह ने उस समय आजम का साथ दिया। अब जब आजम हार गया और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली का सुल्तान बन गया तो इसने दिल्ली का सुल्तान बनते ही आमेर पर अधिकार कर लिया और सवाई जयसिंह को यहां से भगा दिया और आमेर का नाम बदल के क्या कर दिया? मोमिनाबाद। उस समय आपने पढ़ा होगा कि जब सवाई जयसिंह को भगा दिया और आमेर का राजा बना दिया सवाई जयसिंह के भाई को विजय सिंह को, जिनका नाम था चीमाजी। और आपने पढ़ा होगा कि उस समय सवाई जयसिंह भाग के मेवाड़ चला गया था और एक समझौता हुआ था देवारी समझौता। वो देवारी समझौता इसलिए तो हुआ था कि बहादुर शाह प्रथम के आतंक से किस प्रकार मुक्ति पाई जाए। तो ध्यान रखना कि मोमिनाबाद आमेर का नाम है और किसने रखा था? बहादुर शाह प्रथम ने। मुस्तफाबाद बात करते हैं तो मुस्तफाबाद गागरोन का प्राचीन नाम है। अरे किसका प्राचीन नाम है? गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम है मुस्तफाबाद। और ये जो नाम रखा था मुस्तफाबाद, ये नाम रखा था महमूद खिलजी ने। अरे किसने रखा था? महमूद खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण किया था और आक्रमण करके 1444 में किया था और आक्रमण करके गागरोन को जीत लिया था
और जीतने के बाद गागरौन का नाम बदल के क्या कर दिया था, मुस्तफाबाद। फिर आता मोहम्मदाबाद, और मोहम्मदाबाद उदयपुर का प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है? ये उदयपुर का प्राचीन नाम है, और ये नाम रखा था अकबर ने। ये नाम किसने रखा था? अकबर ने। जब महाराणा प्रताप पढ़ोगे तो गुरुजी बताएंगे कि 1576 में हल्दीघाटी युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लिया था, और उदयपुर का नाम बदल के क्या कर दिया था? मोहम्मदाबाद। तो मोमिनाबाद, मुस्तफाबाद, मोहम्मदाबाद तीनों अलग अलग है ये, और तीनों अलग अलग जगह के उपनाम है। मोजमाबाद किसी भी जगह का उपनाम नहीं है, ये एक जगह राजस्थान में दूधू के पास में मोजमाबाद, और जयपुर जिले में पड़ती ही है। और ये जो मोजमाबाद है, ये वो जगह है जहाँ पे आमेर के राजा मानसिंह का जन्म हुआ था। मानसिंह प्रथम का जन्म है क्योंकि मानसिंह की जो माताजी थी भगवती देवी साहिबा, वो यहीं की थी, मोजमाबाद की। और पहले के ज़माने में रानियों का जो पहला प्रसव होता था वो अपने पियर में ही होता था। तो मानसिंह जो आपके दिया हुआ ना सिलेबस में, मानसिंह प्रथम आमेर का राजा, उस मानसिंह प्रथम का जन्म हुआ था मोजमाबाद में, और ये जन्म हुआ था 21 दिसंबर 1550 को। 21 दिसंबर 1550 को मानसिंह का जन्म हुआ था मोजमाबाद में। तो समझाने का लॉजिक यही है कि मोमिनाबाद अलग है, मुस्तफाबाद अलग है, मोहम्मदाबाद अलग है, और मोजमाबाद अलग है, लेकिन सबकी कहानी राजस्थान से जुड़ी हुई है, ये ध्यान रखना। तो हमने यही तो पढ़ा कि आमेर का प्राचीन नाम उपनाम एक कौन सा है, मोमिनाबाद। फिर हम बात करें कि आमेर के दुर्ग का निर्माण किसने कराया, तो आमेर के दुर्ग का निर्माण हुआ था 1592 में, 1592 में। और आमेर का किला किसने बनवाया था, तो मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मानसिंह प्रथम ने। तो 1592 में मानसिंह प्रथम के द्वारा आमेर के किले का क्या हुआ, निर्माण। यहीं पर नोट लगा के दो बातें बता रहा हूँ मैं आपको। आमेर का किला कब बनवाया गया, तो 1592 में। किसने बनवाया, तो मानसिंह प्रथम ने। लेकिन यहीं पर प्रश्न आ जाए कि बताओ आमेर कब बसाया गया, तो उत्तर आएगा कि आमेर जो बसाया गया, यह बसाया गया था 1150 में, और आमेर बसाया था दूल्हे राय ने। किसने बसाया था? इसी दूल्हे राय का दूसरा नाम है दोला राय, और इसी को हम कहते हैं तेजकरण। और ये तीन नाम क्यों पड़े, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में तो इसे कहते हैं दूल्हे राय, भारत के इतिहास में इसे कहते हैं दोला राय, और जिस ढूंढाड़ पर इसने आमेर बसाया उस ढूंढाड़ पर सबसे पहला अधिकार था मीणाओं का। तो मीणाओं का एक ग्रंथ मीन पुराण, मत्स्य पुराण, उसमें इसको क्या बताया गया है, तेजकरण। तो आमेर बसाया गया था 1150 में, दूल्हे राय ने बसाया, और इसने कछवा वंश की स्थापना कर दी थी 1137 में, उसके 13 साल बाद बसाया था आमेर। और ध्यान रखना, इसी आमेर को जो बसाया, इस आमेर का जो प्राचीन नाम था, जिस नाम से नगर बसाया गया, वो था अंबावती नगरी। कौन सी नगरी के नाम से बसाया गया था इसे? अंबावती नगरी के नाम से। तो आमेर का किला मानसिंह ने बनवाया, और आमेर नगर दूल्हे राय ने बसाया। और यहीं पर प्रश्न आ जाए कि आमेर को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया, तो आमेर को जो सर्वप्रथम राजधानी बनाया गया कछवा वंश की, वो पहली बार राजधानी बनाया गया था 1207 में, और ये बनाया था दूल्हे राय के पोते ने, और इनके पोते का नाम था कोकिल देव। तो दूल्हे राय के पोते कोकिल देव ने जो है वो आमेर को पहली बार कछवा वंश की क्या बनाया था, राजधानी। और मैं बता दूं कि आमेर कछवा वंश की तीसरी राजधानी बना था। कछवा वंश की पहली राजधानी थी दौसा, दूसरी राजधानी थी रामगढ़, जहाँ जमुआई माता का मंदिर बना और नाम हो गया जमुआ रामगढ़। और कछवा वंश की तीसरी राजधानी किसे बनाया गया था, आमेर को। ठीक है, तीन प्रश्न हो गए, आमेर दुर्ग का अलग प्रश्न है, आमेर नगर का अलग प्रश्न है, और आमेर को राजधानी बनाने का अलग प्रश्न है। बताओ, देखिए एक बार बताओ, कौन सा दुर्ग पढ़ना शुरू कर दिया हमने, जोर से बोलो बताओ। आमेर दुर्ग कहाँ स्थित है, कौन सी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, आमेर का प्राचीन नाम क्या है, लेकिन इसे किस नाम से भी जानते हैं, मोमिनाबाद, मुस्तफाबाद, मोहम्मदाबाद, मोजमाबाद, सब अलग अलग है, राजस्थान जीके से जुड़े हुए हैं। बताओ मोमिनाबाद तो किसका नाम है,
किसने रखा था? बताओ मुस्तफाबाद किसका नाम है? किसने रखा था? बताओ मोहम्मदाबाद किसका प्राचीन नाम है? किसने रखा था? और मौजमाबाद किसी का भी प्राचीन नाम नहीं है। मौजमाबाद एक जगह है जो जयपुर जिले में है, दूधू के पास में है। और यहीं पर किसका जन्म हुआ था? मानसिंह प्रथम का, 21 दिसंबर 1550 को। फिर हम पढ़ेंगे कि आमेर दुर्ग का निर्माण कब हुआ, किसने बनवाया था? लेकिन आमेर नगर कब बसाया गया, किसने बसाया था? इसी का दूसरा नाम, इसी का तीसरा नाम। और आमेर को किस नाम से बसाया गया था? अम्बावती नगरी के नाम से। और आमेर को पहली बार जो राजधानी बनाया गया वो कब बनाया गया और किसके द्वारा बसाया गया? बनाया गया कोकिल देव के द्वारा। उतारो इसे, क्या कह रहे हो? पहाड़ी का नाम नहीं है यार कुछ भी। कौन सी पहाड़ी बताओ? पढ़ा है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं हो तो। गलत सही तो हम बता देंगे, बताओ तो सही। वो एक पहाड़ी है केवल आमेर में यहाँ पे, जिस पर नारगढ़ का किला बना हुआ है, नारसिंह बोमिया के नाम पे है पहाड़ी। वो चीलों का टिलाई से निकलते हैं। आगे पढ़ेंगे, चीलों का टीला कहा जाता है जयगढ़ दुर्ग को, ठीक है ना? किसे कहते हैं? जयगढ़ को। नहीं, इसका पहाड़ी का कोई नाम नहीं है ऐसा। क्या नाम बताओ सही तो मैं बता दूंगा ना। फिर दिमाग में नहीं आ रही, आ जाने तो कोई बात नहीं। ऐसी पर्टिकुलर पहाड़ी नहीं है, अरावली की पहाड़ियों से गिरा हुआ ही है। जीतने के बाद जीत लिया था 1576 में भगवान दास के नेतृत्व में। आप पढ़ोगे जब महाराणा प्रताप पढ़ोगे? महाराणा प्रताप तो चला गया था आवरगढ़ नामक स्थान पर, और उस समय अकबर ने उदयपुर पे अधिकार कर लिया था 1576 में। भाई देखो, दो बात बता दूं मैं आपको। राजधानियां बदलती है दो कारण की वजह से। एक तो कोई किसी का बार बार आक्रमण होगा तो राजधानी चेंज होगी, और एक राजा का साम्राज्य बढ़ तो राज। जी भाई नमस्कार, बताओ क्या चल रहा था अपने कार्यक्रम? आमेर दुर्ग पढ़ा दिया, पढ़ाना बाकी है? बताओ दे। घुमाओ पढ़ाया। अब सुनो भाई, पिछली क्लास में हमने जो है आमेर दुर्ग को लेकर बात करना शुरू किया था, और मैंने आपको बता दिया था कि आमेर दुर्ग की प्रारंभिक रूपरेखा क्या है, आमेर नगर की प्रारंभिक रूपरेखा क्या है, और आमेर को राजधानी बनाने की प्रारंभिक रूपरेखा क्या है। तो ध्यान रखना कि आमेर दुर्ग का निर्माण जो हुआ वो 1592 में हुआ, मानसिंह ने करवाया। आज आवाज कैसे आ रही है? तेज तेज। दो दिन की छुट्टियों के बाद है इसलिए तेज आ रही है आवाज से। कोई बात नहीं है, एक घंटे की क्लास अभी निकल जाएगा, ध्यान दूर समझो। तो हमने पढ़ा कि आमेर को दुर्ग बनाया गया 1500, आमेर दुर्ग बनाया गया 1592 में, मानसिंह ने बनाया। आमेर नगर बसाया गया 1150 में, दूल्हे राय ने बसाया। अम्बावती नगरी के नाम से बसाया।
और आमेर को राजधानी बनाया गया 1207 में, 1207। और किसने बनाया? कोकिल देव ने बनाया। ठीक है, फिर कुछ बातें और बताई थी मैंने कि मोमिनाबाद अलग है, मोजमाबाद अलग है, मुस्तफाबाद अलग है, ठीक है, और मोहम्मदाबाद अलग है। हमने पढ़ा था कि मोमिनाबाद आमेर का नाम है जो बहादुर शाह प्रथम ने रखा था, मुस्तफाबाद जो है वो गागरौन का नाम है और महमूद खिलजी ने रखा था, मोहम्मदाबाद उदयपुर का नाम है, अकबर ने रखा था, और मोजमाबाद किसी का भी प्राचीन नाम नहीं है। मोजमाबाद एक जगह है जो कहाँ पर है? जयपुर में है, और वो जगह है जहाँ मानसिंह प्रथम का क्या हुआ था? जन्म हुआ था 21 दिसंबर 1550 को। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की, ध्यान से सुनिएगा। देखो, जिस आमेर के बारे में अपने को पढ़ना है उसके बारे में सबसे पहली बात कि इस आमेर दुर्ग का जो प्रथम प्रवेश द्वार है, प्रथम प्रवेश द्वार आमेर के किले का जो पहला प्रवेश द्वार है उसका नाम है गणेश पोल। ध्यान रखना, पहला प्रवेश द्वार जो है उसका क्या नाम है? गणेश पोल। ठीक है, जैसे ही गणेश पोल से आप आगे जाओगे तो एक चौक आता है बड़ा सा, और उस चौक को हम कहते हैं जलेब चौक। जलेबी चौक नहीं, जलेब चौक। तो जैसे ही जयपोल में एंट्री करके आगे जाओगे एक चौक आएगा बड़ा सारा। कहते थे कि वहां पर उस समय के महत्वपूर्ण सैनिकों को प्रशिक्षण करवाया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, तो जलेब चौक है। और जलेब चौक को क्रॉस करके जैसे आगे जाओगे तो जो दूसरा दरवाजा आएगा ना उसका नाम है जयपोल। क्या नाम उसका? जयपोल। तो सबसे मुख्य प्रश्न यही है, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि आमेर दुर्ग में स्थित गणेश पोल और जयपोल के बीच का चौक क्या कहलाता है, कौन सा चौक है? तो कौन सा चौक है? जलेब चौक है। ठीक है, तो पहला प्रवेश द्वार गणेश पोल हो गया, दूसरा प्रवेश द्वार जयपोल हो गया, और दोनों के बीच में जो चौक है वो कौन सा है? जलेब चौक हो गया। फिर बात करते हैं कि इसी आमेर के किले में जो है वो कुछ मंदिर बने हुए हैं, और जो प्रमुख मंदिर बने हुए हैं वो दो मंदिर बने हुए हैं। कितने प्रमुख मंदिर हैं? दो। पहला जो मंदिर बना हुआ है इस दुर्ग में उसका नाम है शिला देवी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? शिला देवी का मंदिर। और हम सब जानते हैं कि ये जो शिला देवी है ये कछवा राजवंश की आराध्य देवी मानी जाती है। कछवा राजवंश की कौन सी देवी है? आराध्य देवी। ध्यान रखना, एक तो होती है कुल देवी और एक होती है आराध्य देवी, दोनों में अंतर है। कोई बता सकता है अंतर क्या है? जिस देवी या देवता के नाम से किसी कुल या वंश की स्थापना होती है वो तो क्या कहलाता है? कुल देवी देवता कहलाता है। और जब वो वंश धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना, मान लो 3-4 पीढ़ियां निकल गई पुरानी, तो जैसे अपने को पूछे कोई कि अपने कुल देवता कौन है तो 90% लोगों को नहीं पता। अरे कुल देवता तो दूर, दादाजी के पिताजी का नाम नहीं पता कहीं को, पिताजी का नाम दादाजी का नाम उनके पिताजी का खींच के उनसे आगे पूछेगा तो वो नहीं पता अपने को, तो कुल देवता तो दूर की बात है। तो जब वंश आगे बढ़ता है ना धीरे धीरे, तो लोग क्या है, कुल देवी देवता को तो केवल टाइम टाइम पे पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन ऐसा लोग देवी देवता, ऐसा देवी देवता ऊपर कर सामने आता है जिसकी वो रोजाना पूजा अर्चना करते हैं, रोजाना आराधना करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आराध्य देवी, आराध्य देवता। तो ध्यान रखना, जिस देवी या देवता के नाम से किसी कुल या वंश की स्थापना होगी वो तो कुल देवी देवता कहलाएगा, और जिसकी पूजा अर्चना ज्यादा होगी वो कहलाएगा आराध्य देवी, आराध्य देवता। तो कछवा वंश की जो कुल देवी है वो तो जमुआई माता है, जमुआ रामगढ़ में जो मंदिर है, और कछवा राजवंश की जो आराध्य देवी है वो कौन सी माता है? शिला माता। तो ध्यान रखना, ये जो शिला देवी है ये कछवा है वंश की आराध्य देवी। कछवा वंश की कौन सी देवी है? ये आराध्य देवी है साहब। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो ध्यान रखना, इतिहास से जुड़ी हुई बात, आपके सिलेबस से जुड़ी हुई बात, सिला देवी की जो मूर्ति है वो 1604 ईस्वी में मानसिंह प्रथम लेकर आया था। जब आपको गुरुजी पढ़ाएंगे ना मानसिंह प्रथम, आपके सिलेबस में दिया हुआ अमेरिका एक ही राजा है मानसिंह जो आपको पढ़ना है, तो वो पढ़ाएंगे मानसिंह के प्रारंभिक अभियान, फिर मानसिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया, फिर बंगाल का सूबेदार बनाया, फिर बिहार का सूबेदार बनाया, फिर अकबर की मृत्यु हो गई 1605 में। अकबर के मरने के बाद मानसिंह ने जहांगीर के समकालीन कौन कौन सी सेवाएं दी, जहांगीर के समकालीन कौन कौन से अभियानों में भाग लिया, वो आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा। जब मानसिंह पढ़ोगे कि जब मानसिंह को बंगाल के अभियान पर भेजा गया था तो बंगाल में पूर्वी बंगाल की तरफ एक जगह पड़ती है जस्सोर, और जस्सोर का एक राजा था केदार, उसको पराजित किया था मानसिंह ने, और वहीं से सिला देवी की मूर्ति कहाँ पर लेकर आया था, आमेर लेकर आया था। तो ध्यान रखना कि सिला देवी की जो मूर्ति है वो 1604 में मानसिंह प्रथम जस्सोर नामक स्थान से, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो सिला देवी की मूर्ति है इसे मानसिंह प्रथम बंगाल अभियान के दौरान जस्सोर नामक स्थान से राजा केदार को पराजित कर आमेर लेकर आया था। कहाँ पर लेकर आया था? आमेर लेकर आया था। तो मूर्ति भी मानसिंह लेकर आया था, और जो मंदिर बनवाया था सिला माता का वो भी किसने बनाया था? मानसिंह ने बनवाया था। ठीक है, तो एक मंदिर तो कौन सा हो गया? सिला देवी का मंदिर। और दूसरा जो प्रमुख मंदिर बना हुआ है ना यहाँ पे, उसका नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा मंदिर है? जगत शिरोमणि मंदिर। और ध्यान रखना कि ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है इसका निर्माण भी मानसिंह के काल में हुआ था। आपने पढ़ा होगा कि जगत सिंह नाम के राजा हर वंश में होंगे, मेवाड़ में भी आएंगे, मारवाड़ में भी आएंगे, बीकानेर के इतिहास में भी आएंगे, आमेर के इतिहास में भी आएंगे। तो आमेर में दो जगत सिंह पढ़ोगे आप, जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह सेकंड। तो जगत सिंह प्रथम तो मानसिंह का बेटा था, और जगत सिंह सेकंड वही है जब आप कृष्णा कुमारी विवाद पढ़ते हो, एक युद्ध पढ़ते हो गिंगोली का युद्ध। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है इस मंदिर का जो निर्माण करवाया वो करवाया था मानसिंह प्रथम की पत्नी ने, क्योंकि इनका जो बेटा था जगत वो काबुल अभियान के दौरान मारा गया था, स्वास्थ्य खराब हो गया था और रास्ते में उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। तो कहते हैं कि मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। तो ध्यान रखना इसका निर्माण करवाया था मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने, मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत की याद में, अपने पुत्र जगत की याद में इस मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण। दूसरी बात और ध्यान रखना कि इसी मंदिर में वर्तमान में भगवान कृष्ण की वो प्रतिमा लगी हुई है जिसकी मीराबाई पूजा किया करती थी। याद करो कि महाराणा सांगा ने चित्तौड़ के किले में एक मंदिर बनवाया था मीरा मंदिर, इसे कृष्ण मंदिर कहते हैं, और तब भी मैंने समझाया था कि मीराबाई भगवान कृष्ण की जिस प्रतिमा की पूजा करती थी वो प्रतिमा वर्तमान में कौन से मंदिर में लगी हुई है? जगत शिरोमणि मंदिर में। ध्यान रखना ये भी मुख्य बात कि भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लगी हुई है इसमें, और कौन सी प्रतिमा लगी हुई है? जिसकी मीराबाई आराधना करती थी, मीराबाई की
आराध्य प्रतिमा इस मंदिर के अंदर लगी हुई है। कभी पढ़ा है क्या मीराबाई आपने? पढ़ा है कभी मीराबाई? बताओ मीराबाई को संत साहित्य में और किन किन नामों से जाना जाता है, और क्या कहते हैं मीराबाई को? कोई उपनाम होगा, कुछ तो होगा, बताओ। राजस्थान की राधा, बिल्कुल राइट है। और अच्छा, मीराबाई का मूल नाम क्या था? नहीं पता। अच्छा, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? अच्छा, मीराबाई की जो रचनाएं हैं उड़की गांव में हुआ था। ये बताओ मीराबाई की जो रचनाएं हैं वो कौन सी भाषा में है? आखिरी प्रश्न मीराबाई का, ये बताओ जो मीराबाई है, ढंग से समझना कि जो मीराबाई है इनकी क्रीड़ा स्थली कौन सी जगह को माना जाता है? मीराबाई की क्रीड़ा स्थली, प्लेग्राउंड, मीराबाई पढ़ा ही नहीं इसका मतलब कभी भी। चित्रकला में प्रश्न आता है मीराबाई का कि मीराबाई ने भगवान कृष्ण की आराधना में जो पद गाए हैं, ठीक है, उनसे संबंधित चित्र किस शैली के अंतर्गत बनाए गए? भगवान कृष्ण की आराधना में काफी पद गाए हैं मीराबाई ने, उनसे संबंधित जो चित्र बनाए गए ना, कौन सी शैली में बनाए गए? मीराबाई के पदों का स्पष्ट प्रभाव किस शैली के चित्रों में नजर आता है? अरे किशनगढ़ शैली में। पहले पढ़े नहीं क्या जीके कभी? पहले मीराबाई के पति का क्या नाम था? इनके पुत्र थे, कौन से युद्ध में मारे गए थे? नहीं पता, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे आगे। मीराबाई के दो उपनाम है, एक तो कहते हैं राजस्थान की राधा, एक मीराबाई को हम कहते हैं राजस्थान की राबिया। राबिया एक सूफी संत हुई है, तो प्रथम मुस्लिम महिला सूफी संत है राबिया, प्रथम हिंदू महिला संत है मीराबाई, तो राबिया से तुलना की जाती है मीराबाई की। तो राजस्थान की राबिया किसे कहते हैं? मीराबाई को। चलो कोई बात नहीं, बताओ भले यहां तक, बताओ आमेर के किले का जो पहला प्रवेश द्वार है उसका क्या नाम है? गणेश बोल से जिसे एंट्री करोगे तो कौन सा चौक आएगा, और दूसरा प्रवेश द्वार कौन सा आएगा? राजस्थान पुलिस में आया हुआ प्रश्न ये है कि आमेर दुर्ग में स्थित गणेश पोल और जय पोल के बीच में स्थित है, तो क्या स्थित है? जलेब चौक। फिर हमने पढ़ा कि इसमें कितने महत्वपूर्ण मंदिर बने हुए हैं? दो, और दोनों मानसिंह से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना। पहला मंदिर कौन सा है? कछवा राजवंश की क्या है? शिला देवी की मूर्ति कब लाई गई थी? कौन लेकर आया था? कौन से अभियान के दौरान? कौन से स्थान से? किसको पराजित करके? दूसरा मंदिर कौन सा है? इसका निर्माण मानसिंह की पत्नी किसने करवाया था? किसकी याद में करवाया था? और इस मंदिर में भगवान कृष्ण की वो मूर्ति लगी हुई है जिसकी मीराबाई क्या करती थी? पूजा करती थी। उतारो भले इसे। जब अकबर ने अधिकार कर लिया था चित्तौड़ पे, तो मानसिंह की जो था अकबर का प्रमुख सेनापति, उस समय मानसिंह लेकर आया वहां से। राजस्थान का एकमात्र क्या? राजस्थान की एकमात्र काले रंग की मूर्ति त्रिपुरा सुंदरी तुरतई माता, तलवाड़ा बांसवाड़ा में जो है, काले पत्थर में बड़ी हुई मूर्ति हो सारी, वसुंधरा राजे की आराध्य देवी जो है। बाकी सब मूर्तियां आप ले को सकती है, पत्थर, काले पत्थर को तराश कर जो मूर्ति बनाई गई है ना, वो इकलौती है त्रिपुरा सुंदरी की, तुरतई माता की, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। भगवान कृष्ण की जितनी भी मूर्तियां लगभग काली मिलेगी, चाहे गोविंद देव जी की देखो आप, चाहे बाकी बिहारी जी की देखो, वो तो पत्थर की बात करो, अगर पत्थर काले पत्थर में कोई मूर्ति उत्कीर्ण करके बनाई गई है ना, तो एकमात्र त्रिपुरा सुंदरी की, तुरतई माता की। और कोई पूछ ले आपसे कि बताओ राजस्थान की वह कौन सी देवी है जिसकी मूर्तियां लकड़ी की बनाई जाती है? मारवाड़ के इतिहास पढ़ोगे तो आएगा नागनेची माता। नागनेची माता की मूर्ति दुवर जी लेकर आए थे कर्नाटक से,
और वो लकड़ी की मूर्तियां थी जो लेकर आए थे। तो जहां पे भी नागनेची माता का मंदिर बनेगा वहां लमसम लकड़ी की मूर्ति ज्यादा नजर आएगी आपको।